नमस्कार, मैं भानु शिरमाली धन त्रयोदशी के दिन आपको धन के देवता कुबेर से धन की वर्षा और देवताओं के वैद्य धनवंतरि ऋषि से अमृत कलश की स्थापना, जिससे हो स्वास्थ्य लाभ। हमारे घर पर दसविध शुभ लक्ष्मी का निवास होगा, यह हम सभी का अधिकार। कईयों को हुआ है लाभ, आपको भी होगा लाभ, इससे हमको होगी प्रसन्नता। विशेष अमृत कलश की स्थापना करनी होगी। बाजोट पर पीला या लाल वस्त्र लगाकर उस पर चावल से स्वस्तिक या अष्टदल बनाना। एक कलश तांबे सोने चांदी या माटी का लेकर स्वच्छ जल और गंगा जल से भरना। तब यह भाव करना है कि मैं इसमें सभी तीर्थों और नदियों के जल से भर रहा हूँ। मौली कंठ में लपेटना, चारों दिशाओं में तिलक करना। ओम पूर्व ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्वण वेदाय नमः। एक चीटा मध्य में की कुकेश चंदन का लगाना और स्वस्तिक बनाना। धान्य चावल सर्व औषधि दूर्वाह पंचरत्न सोपारी कलश में गिराना और पांच पल्लव कलश के कंठ पर लगाना। फिर नारियल पर लाल वस्त्र लपेटकर कलश पर स्थापित करना। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा, मध्य में देवी शक्ति का निवास। कलश स्थापना से पहले वीरासन की मुद्रा में बैठकर कमल के फूल पुष्प की तरह दोनों हाथों में अमृत कलश लेवे और विशेष आह्वान मन से करना है। पांच अमृत वचनों को बोलना, इनका ध्यान करना है। बोलो भो ब्राह्मणाः ममः सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम गृहे मम व्यापारे पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु। हमारे घर पर पुण्य बना हुआ रहना चाहिए, जिससे पूर्वजों के तप दान जो भी अनुष्ठान वगैरह किया है उसका पुण्य हमको मिलता है। ऐसा ही पुण्य हम भी करते रहे और हमारे ऐसे पुण्य होने से रेत में हाथ डालने पर सोना उपलब्ध हो। दूसरा वचन यह बोलना है, बोलो भो ब्राह्मणाः ममः सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम गृहे मम व्यापारे कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु। हमारे घर में और परिवार में कल्याण होना चाहिए। तीसरा वचन यह बोलना है, भो ब्राह्मणाः ममः सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम गृहे मम व्यापारे कर्मरिद्यन्तां भवन्तो ब्रुवन्तु। हमारे कर्म अच्छी और बधे, हमारे कदम और अच्छी और प्रोग्रेस करे। और चौथा वचन यह बोलना है, बोलो भो ब्राह्मण ममः सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम गृहे मम व्यापारे आयुष्मते स्वस्ते भवन्तो ब्रुवन्तु। आयुष्मते, आयु हमारी 100 साल होनी चाहिए और 100 साल ही परिवार पूरे की कुटुंब की स्वस्थ होनी चाहिए। और पांचवा वचन यह बोलना है, बोलो भो ब्राह्मणः ममः सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम गृहे मम व्यापारे दशविध शुभ लक्ष्मी भवन्तो ब्रुवन्तु। हमारे घर पर शुभ लक्ष्मी 10 प्रकार से आए और शुभ कार्यों में खर्च हो, इस प्रकार से। इन बातों का ख्याल रखना है कि कलश को लाभ पंचमी को लेना है, तब तक स्थापित अमृत कलश घर में और प्रतिष्ठा में छिड़कना है। विधि पूर्वक स्थापित अमृत कलश में प्रदत्त द्रव्य पदार्थों को देखने से स्पष्ट होगा, इतने दिनों में उन पदार्थों में अमृत कलश का जल अमृतमय हो जाता है और अमृत जल से महामंत्रों द्वारा अभिषेक किया जाता है, वह सर्व पाप रोग विनाशक है। सुरक्षित ताम्र पात्र में रखा हुआ यह अमृतमय जल सर्व रोग नाशक मां औषधि हो जाता है। इसका आधुनिक वैज्ञानिक और चिकित्सकीय परीक्षण हो चुका है। सुख शांति और समृद्धि देने वाला है। महालक्ष्मी के सौरैयावत जन्मोत्सव पर हमने महालक्ष्मी के यंत्र सामग्री प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित और सिद्ध की हुई उपलब्ध है आपकी सेवा में। आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपको अपना नाम पता और गोत्र बताना होगा और हमको इसमें सामग्री को आपके नाम से पूजा करने में कुछ वक्त लगता है, वो आपको हमको देना होगा। आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आपकी दीपावली मंगलमय शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।